मैं सुनील कुमार मौर्य जिला पीलीभीत से आया हूँ और बाबा के दरबार पे आया हूँ। मेरा 3 महीने पहले हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। जी जी, हाथ ऊपर नहीं उठ पा रहा था। जी जी, अब वो हाथ तो पूरा ऊपर उठ रहा है। तो मैन जी ने क्या किया था मनोरम धाम में? मैन जी ने आशीर्वाद दिया, बस हाथ रखा अपना। तो क्या कहेंगे मनोरम धाम का? अरे बहुत बढ़िया है, चमत्कार। जी चमत्कार मनोरम धाम का। जी जी, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम, श्री श्याम। पहले तो सभी श्याम प्रेमियों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप भी इस बाबा श्याम से मेरे जैसे प्यार करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आज दिखाऊंगा कि दिल्ली से मरीज लौट के आया है बाबा श्याम के चरणों में। उन्हें इतना बार दिल्ली के डॉक्टरों ने उसे मना कर दिया, वापस आ गए हैं वो लोग यहाँ पे। और बाबा हमारे जो यहाँ के महंत जी हैं उन्होंने कहा, भरोसा दिलाया कि मैं सही करके भेजूंगा इन्हें। आइए उन्हें भी दिखाएंगे और भी लोगों से मिलवाएंगे। बने रहिए वीडियो में और जयकारा लगाइए। जय श्री श्याम। कहाँ से आए हो भैया? गलप्रा महेवा। अच्छा, मरीज के साथ आए हो? हाँ, मरीज के साथ। क्या परेशानी है? परेशानी ये है, इनके पैर ना काम कर रहे हैं। पैर काम नहीं कर रहे हैं? हाँ। तो आप हॉस्पिटल से लौटा लेके ने लेके आए बाबा श्याम के दरबार? दिल्ली से लेके आए। दिल्ली से वापस आए हो? तो अभी क्या बताया महाराज जी ने? महाराज जी कह रहे हैं सही हो जाएंगे। सही हो जाएंगे? अभी जल भी पढ़ के दिया था आपको? हाँ, जल भी दिया है। अच्छा, यही है पेशेंट आपके साथ में जो है? ये तो ये कैसे मतलब जल से गए हैं? ये दिल्ली में जाके इनके पता ना क्या घर से बालाजी को क्या के गए थे जी। अच्छा। हाँ, फिर दिल्ली में जाके इनकी है। देखा आपने अभी घर से मतलब बालाजी कह के गए थे, उसके हाँ, बाद में फिर? उसके बाद में ये हमें तो हॉस्पिटल में मिले, क्या हुआ इनके साथ में हमें ना पता ही नहीं लगा। चलो बाबा पे भरोसा रखो, सही हो जाएंगे, बाबा महाराज जी ने कहा है तो। हाँ। एक का बार और आने के लिए कहा होगा ना? अपना ये कही जल पियाओ। अच्छा, रोज डेली नेम से। चलो एक बार जयकारा लगाओ। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। मरी जा रहा है हॉस्पिटल से लौट के और बाबा श्याम की कृपा से जय श्री श्याम। कहाँ से आए भैया? बिलासपुर। अच्छा, पहली बार आए हो? दूसरी बार। अच्छा, पिछली बार आए थे तो मतलब अच्छा लगा आने के बाद? बहुत अच्छा लगा, महंत जी से मिले। अच्छा, बात हुई महंत जी से? महंत जी से बात हुई बड़े आराम से। अच्छा, तो क्या भाव लेके आए हैं, क्या मनोकामना है ऐसी जो बाबा से मिले? बाबा ने मनोकामना बाबा से थी वो पूरी हो गई। अच्छा, तो आप जल पड़वाने आए हैं? कौन कौन आए आपके साथ में? ये हम चार लोग। हम तो पहली बार आए हैं, मतलब भैया दो बार हो आए हैं। अच्छा अच्छा, बिलासपुर से ही आए सारे लोग। चलो एक बार हरे के सहारे की, खाटू नरेश की, तीन बार धाई की।
कहाँ से आई हो आंटी जी आप? हम हरियाणा से, गुड़गांव से। अच्छा, आपको कहते मंदिर के बारे में पता लगा? हमारे वीडियो पे भी हमने देखा था और हमारे यहाँ लोगों ने बताया था। अच्छा, जानने वाले लोग हैं? हाँ। अच्छा, तो पहली बार आई हैं आप? हम पहली बार आए हैं। पूरी फैमिली के साथ? पूरी फैमिली साथ। अच्छा। मतलब मेरा बेटा आया, हम आए हैं, हमारी बहन आई है। अच्छा, हम सारे आए हैं। तो कोई मनोकामना पूरी हुई है या फिर ऐसे कोई मन्नत? अभी हमारी कोई मनोकामना हमने मांगी नहीं, अब आए हैं हम बाबा। अच्छा, दर्शन करने हैं। अब बाबा जाने करके हम मनोकामना मांगेंगे। अच्छा अच्छा, चलो बाबा सबकी सुनते हैं, आपकी भी सुनेंगे जरूर। चलो एक बार जयकार लगा दो। हारे के सहारे की, हारे के सहारे की, तीन बार हारी की, खाटू श्याम की, मनोना धाम की। कहाँ से आए भैया? मल्लपुर भवानी। मल्लपुर भवानी, भवानी। क्या दिक्कत है? लड़की बोलती नहीं है ना, चलती है कुछ। अच्छा, ये बच्ची है, ये ना बोल पाती है और ना चल पाती है, पैरों से ही परेशान है। यहाँ पे सब मरीज ही लोग बैठे हैं दिखाने के लिए, नंबर लग गया है इन लोगों का, अपना अपना नंबर आने का प्रतीक्षा कर रहे हैं ये। अच्छा, तुम्हारा ही है? तो ये चल नहीं पाती है, बोल भी नहीं पाती है? लल्ला है। अच्छा, लल्ला है। अच्छा, तो कब से, मतलब बचपन से, जब से पैदा हुई तभी से नहीं चल मिल रहा है? तो नंबर लग गया आपका? पहली बार आई हो, दूसरी बार आई हो? अच्छा अच्छा, तो पिछली बार जल पड़वा के ले गई थी, देखा था महाराज जी ने, तो क्या कहा था महाराज जी ने? अच्छा, चला के दिखाया था? तो कही थी चलने लगेगी। अच्छा, चलो बाबा भरोसा रखो, चलने लगेगी, जब बाबा महाराज जी ने कहा है तो जरूर चलेगी। अच्छा, तुम्हारे पैर में क्या हुआ है? अच्छा, कहाँ से आई हो? अच्छा, तो यहाँ पे देख रहे हो सारी भीड़ जो है, सब कोई ना कोई मरीजों के साथ अपने आए हुए हैं लोग, और महाराज जी इसी रूम में बारी बारी से सब मरीजों को देख रहे हैं। ये सब लोग अपने अपने नंबर आने का इंतजार कर रहे हैं। क्या दिक्कत है? आँख में आँख खराब हुई? पहले सही? पहले सही। अच्छा, जो पैर में दर्द हो तो है। तो महाराज जी को दिखाई आँख? महाराज जी को कहीं ना वहाँ पर। अच्छा, नाम लिखवा दो, नाम लिखवा दो, उसके बाद नंबर आया देख लेंगे वो। नाम तो कहाँ से आई हो? हर्रापुर से। अच्छा, पहली बार आई हो? हाँ। अच्छा, चलो नाम लिखवा दो, नंबर आया है महाराज जी से, फिर महाराज जी को दिखाना, वो जल पड़ के देंगे, उससे आपको फायदा जरूर होगा। एक बार जयकारा लगा दो, हारे के सहारे की। चल ले ले तो। कहाँ से आई हो? गुड्डा मकरंदपुर। क्या दिक्कत है? पैरों में दर्द है, कमरे से नीचे बहुत दर्द है। दवाई ले चुकी कई जगह से? दवाई एक साल हो, एक हाथ पर। फायदा ना हो रहा है? पहली दवा आई हो, दूसरी पहली दफे आए हैं। और जल पड़वा लिया? जल अभी कहाँ पहुँचा ना है, गुरु जी। अच्छा अच्छा, तो भरोसा है बाबा जी पे कि अब दर्द बंद हो जाएगा यहाँ आने के बाद? सही आए हैं, भरोसा है। चलो जल पड़वा लो, उसके बाद पीना आपसे देखते आराम का, एक दो बार आती रहना। जय श्री श्याम। कहाँ से आए भैया? दलपतपुर से। अच्छा, क्या दिक्कत है बच्चे को? जहाँ चल ना पाती, बोलना पाती, गुनिया सीधे ना करती है। अच्छा, कितनी बार आ चुके हो? पहली बार आ रहे हैं। अच्छा, कैसे पता लगा मंदिर के बारे में? गांव के गए ना आए। अच्छा, उन लोगों को फायदा हुआ तभी आप भी सुन के आए हो मंदिर। हाँ। है तो बच्चे को दिखाया महाराज जी को? नहीं, अभी ना पहुँचे हैं। तो क्या बताया, किसी से बात हुई यहाँ पे आके? नहीं, आपकी अंदर जाना ना दे रहे, हमें
लाइन में जाएंगे, लाइन में जाएंगे। तो वहाँ पे नाम लिखवाया जा रहा है, जिन्हें परेशानी है उनको देखने के लिए वहाँ पे नाम लिख के फिर अंदर बुला रहे हैं महाराज जी। नाम लिख रहे हैं नाम, चलो देख लो लाइन नंबर नहीं आया तुम्हारा, बहुत दूर है नंबर। तो इसके पैर मतलब बचपन से ही खराब है या फिर बाद में? बचपन से। अच्छा, बचपन से ही खराब है। तो तुम्हें भरोसा है कि सही हो जाएंगे? जहाँ तक है देखो भगवान की दुआ से आए। डॉक्टर वगैरह को तो दिखा चुके हो पहले भी? हाँ, डॉक्टर को दिखा दो, उससे फायदा नहीं हुआ कुछ? चलो बाबा भरोसा रखो, बाबा आपके साथ जरूर अच्छा करेंगे, आपका बच्चा चलेगा। तो लाइन में लग के दर्शन करवा लो, फिर बाबा जी को एक बार दिखा लेना, वो जल पड़ के देंगे। मेन चीज है यहाँ की जल, जल से ही भला होता है सबका। ठीक है, कहाँ से आए भैया? मीरगंज से। अच्छा, तो बाबा कोई तकलीफ है ना? हाँ, तो दर्शन कराने लाए हो? अच्छा, तो बाबा अपने आप पैदल चल के जा रहे हैं। देखो बाबा के दीवाने श्याम भक्त हैं और दर्शन करने आए हैं। 85 साल उम्र हो गई है बाबा की और खुद अपने घर वालों के साथ में बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं। जय श्री श्याम। पकड़ अभी, रुक जा, जूता पहनाओ पहले, ऐसा करके। कहाँ से आए भैया? भैया रुद्रपुर से आए हैं। अच्छा, पहली बार आए हो? हाँ पहली बार आए हैं। क्या दिक्कत है बच्चे को? बच्चा विकलांग है। अच्छा, तो महाराज जी से मिल लिए? हाँ महाराज जी से मिल लिए। क्या बताया महाराज जी ने? महाराज जी ने उपाय बताए। क्या बताए? वो ही बताए थे, मतलब 15 दिन उपाय करो, उसके बाद में एक चक्कर और मार जाना। अच्छा, चला तो देंगे। हाँ। लेकिन टेढ़े के टेढ़े रह जाएंगे पैर। अच्छा, चलने लगेगा? हाँ चलने लगेगा। तो अंदर बाबा जी ने कुछ किया? हाँ मतलब उन्होंने वही जो पड़ा फूंकना था वही किया था। अच्छा, फिर जल बल जल पड़ के दिया? हाँ जल पड़ के दिया था। अच्छा, फिर अब कितने दिन बाद बुलाया है? 15 दिन में आ जाओ या 20 दिन में आ जाओ, नंबर दिया अपना उन्होंने। तो बोला है उन्हें कि फायदा होगा जरूर। हाँ चलो, तो तुम्हें लगता है भरोसा है बाबा आपकी? हाँ भरोसा तो पक्का है भाई। अच्छा, तो कैसे पता लगा आपको इस मंदिर के बारे में? मंदिर के बारे में चर्चा चल रही थी हमारे यहाँ पे, तो हमने सुना था तभी आए थे। अच्छा, हाँ। तो अभी बिल्कुल नहीं चल पाता है? ना अभी बिल्कुल नहीं चल पाता है। अच्छा चलो, जोर से एक बार जयकारा लगा दो। बाबा श्याम की जय, तीन बार हरि की जय, खाटू श्याम की जय। आन तो दे।